नमस्कार जोहर। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए समय हो चला है कृषि समाचार का, हम देखते हैं कृषि समाचार और लेते हैं कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के किसान ले सकते हैं डबल क्रॉपिंग राइस फेलो योजना से लाभ। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा मेधा लक्ष्मी योजना की शुरुआत। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य में डबल क्रॉपिंग राइस फेलो योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो किसान खरीफ मौसम में धान की खेती कर रबी मौसम में नमी सहित अपने खेतों को परती छोड़ देते हैं, वैसे खेतों का 50-50 हेक्टेयर का क्लस्टर तैयार कर जीरो टिल तकनीक से खेतों को पारंपरिक तरीके से जोते बिना दलहन तिलहन की खेती कर सकते हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक समूह को 100% अनुदान पर एक जीरो टिल मशीन दिया जाएगा। साथ ही कृषक प्रोत्साहन राशि के तहत बीज खाद और कीटनाशी की खरीदारी के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 1800 रुपये भी दिए जाएंगे। इस योजना से लाभ उठाने के लिए सीमांत एवं लघु किसान कृषक समूह और महिला कृषक समूह अपने जिला के जिला कृषि कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। ग्रामीण महिलाओं को दूध उत्पादन कार्यक्रम में सघन रूप से जोड़ने हेतु वर्ष 2015-16 में झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा मेधा लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत कुल 12 महिला दूध उत्पादकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 10,000 रुपये, 7,500 रुपये एवं 5,000 रुपये का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पशुपालकों को दिया गया। सरसों में लाही का प्रकोप हो तो फसल की भारी क्षति होती है। किसान भाई सरसों में लाही के रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें। इसके लिए वार्टिसिलम लिकेनी, मिटार जीएम, वर्टिलेक, माइकोर या नीम निर्मित नीमाजोल दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, लाही हरे काले रंग की छोटी छोटी चिपचिपी कीट होती है जो पौधे की पत्तियाँ, कोमल डंठलों, फूलों और हरी पत्तियों के रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। सरसों फसल में लाही कीट के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी वर्टिसिलम किलेनी या मिटार जीएम या वर्टिलेक या माइकोर नीमाजोल प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। लाही से प्रबंधन के लिए किसानों को जरूरी है कि उसका समय पे अगर लाही लगना शुरू हुआ है तो पहले जैव आधारित कीटनाशकों का प्रयोग, जैसे वर्टिसिलम लिकेनी है, मिटारजियम है, इन पे आधारित वर्टिलेक है, माइकोर है, इनसे आधारित कीटनाशकों का, और जो नीम आधारित कीटनाशक है, नीम आधारित कीटनाशक जैसे नीमाजोल है, इनको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा कॉलोनी बन गया है तो पहले से उसका बहुत जल्दी नियंत्रण की करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए आप कॉन्फिडोर 1 ml 3 लीटर पानी में, या जो एक दवा नई आई है ओलाला के नाम से, उसको 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव जरूर करें। किसान भाई, आप यदि मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक बुआई का काम कर सकते हैं। झारखंड में मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पुषा सदाबहार, NP46, पुषा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले खेतों का चुनाव करें। बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पुषा सदाबहार, NP46A या पुषा ज्वाला लगाएं। इसकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। टेरेस्कोपिक प्रूनर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से आम, लीची जैसे वृक्षों की ऊपरी टहनियों को काटने छाटने का काम कर सकते हैं। इस उपकरण में लंबाई बढ़ाने की सुविधा है। इसकी लंबाई 10 से 12 फीट तक बढ़ाई जा सकती है। आइए आज जानते हैं टमाटर फसल को
अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से कैसे बचाएं? किसान भाई, टमाटर फसल को अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मैकोजेब या कैप्टन नामक दवा की 1.25 से 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,950 रुपए से 2,350 रुपए, चावल मध्यम 2,400 रुपए से 2,900 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 6,000 रुपए, गेहूं 2,200 रुपए से 2,600 रुपए, दाल अरहर 8,800 रुपए से 9,500 रुपए, दाल मसूर 6,400 रुपए से 6,800 रुपए, दाल चना 12,300 रुपए से 12,800 रुपए, सरसों तेल 10,000 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3,900 रुपए से 3,950 रुपए, आलू 1,000 रुपए से 1,300 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि और तकनीक के बारे में जाना, मौसम के बारे में जाना और मंडी के भाव के बारे में भी जानकारी ली। जानकारी हमारे पास और भी है, लेकिन समय हो चला एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। छोटे से विराम के बाद मैं आपका फिर से स्वागत करती हूं और आपको लिए चलती हूं एक नई जानकारी की तरफ। जानकारी तो वाकई बहुत है, लेकिन आज हम जो खास लेके आए हैं वो है समन्वित कृषि से जुड़े किसानों को होने वाले लाभ। जी हाँ, इसके लिए हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और हम अपने विशेषज्ञ से जानते हैं कि समन्वित कृषि से जुड़े हमारे किसानों को क्या क्या लाभ होता है।
जैसा कि नए विषय के साथ हम आपके बीच आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। आज का विषय हम लेके आए हैं कि समन्वित कृषि प्रणाली से जुड़े किसानों को लाभ कैसे मिलेगा। इसके लिए विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर बीके झा सर। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि समन्वित कृषि प्रणाली है क्या? किसान भाइयों, समन्वित कृषि प्रणाली की हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो किसान भाइयों, आप हमेशा एक ही फसल की उत्पादन करते हैं अपने भूभाग पे, वहीं समन्वित कृषि प्रणाली क्या होती है कि इसमें जब आप अपनी खेती करते हैं फसलों की, तो उसमें क्या विशेष ख्याल रखनी पड़ती है कि जैसे हमारी जो आवश्यकता होती है, खास करके जैसे कि हमारी सब्जियों का उत्पादन हो, अनाजीय बोरियों का उत्पादन हो, दलहनी हो, तिलहनी हो, साथ में अगर आप मवेशी पालन कर रहे हैं तो चारा उत्पादन हो, अगर आपके पास जमीन के नीचे भूभाग है तो उसमें आप एक तालाब का निर्माण कर सकते हैं, साथ में आप मवेशी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि इसमें हम जो हमारी जमीन की भूभाग होती है, विभिन्न इकाइयों में हम इसे उत्पादन लेते हैं और इससे हमारा यह क्या होता है कि सुनिश्चित होती है कि हमें प्रति वर्ग मीटर जो है हमें जो है मुनाफा ज़्यादा प्राप्त हो, हमें इसमें रोजगार का सृजन हो, और साथ में जो हम पौष्टिकता की बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो कहते हैं, तो इसमें क्या होती है, हमारी जो पौष्टिकता की जो हमारी आवश्यकता होती है परिवार की, तो उसका भी इसमें से पालन भरपूर हमें लाभ मिलता है। तो इस तरह से एकल फसल ना करके अगर किसान भाइयों अन्य वर्गीय फसलों के भी, जैसे मैंने चर्चा की, तो उनका भी अगर वो खेती करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सुनिश्चित लाभ मिलता है और आपको अन्य तरह के इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी होता है कि अगर एक फसलें आपकी नहीं हो रही हैं तो दूसरी फसल की आपको भरपूर उत्पादन मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको समन्वित कृषि प्रणाली से आपकी क्या होती है कि आपको विभिन्न जो आपके इंटरप्राइजेज हैं उससे आपको फ़ायदा मिलता है। हमारे झारखंड के जो परिवेश में जो किसान भाई हैं उनका क्या सोच है और कहाँ तक हमारे झारखंड के किसान भाई इस समन्वित कृषि प्रणाली को अपना पाए हैं? अगर हम झारखंड परिवेश की हम बात करें तो झारखंड परिवेश में निश्चित तौर पे हमारे पास ढालुनुमा जमीन भी होती है और इसमें क्या होता है कि आपकी निश्चित तौर पे कि हम एक फसल पे निर्भर ना रह करके हम अपनी जो हमारी भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार अगर हम जैसे कि आप खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें आप मवेशी पालन का भी करें, बकरी पालन का भी करें। नेचुरल है कि आपके पास एक तालाबनुमा की भी आकार के भूभाग होंगे जहाँ पे कि आप तालाब का निर्माण करते हैं, तो आपको उसमें क्या होगा जो हमारी बरसात की पानी आती है वो संचयन भी होती है और उसमें आप फिर मछली पालन करते हैं। और ख़ास करके जैसे हमारे इस लाख की हम इस बात करें हम अपने झारखंड प्रवेश की, तो निश्चित तौर पे जैसे हमारे यहाँ लाख की भी बहुत अच्छी उत्पादन की संभावनाएं रहती हैं, तो इसमें जैसे शेमिरता करके आती है तो उसको आप बॉर्डर प्लांटेशन भी कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे हम अब झारखंड प्रवेश में मवेशियों का भी पालन करते हैं, तो इस तरीके से आप अपने भूभाग को जो आपके पास ज़मीन है तो उसमें क्या करें कि आप जैसे कि हमारी खरीफ रबी जायद होती हैं तो पानी की उपलब्धता आपके पास रहती है, तो उसका सदुपयोग उपयोग करने के लिए आप क्या करें कि जब हमारी ये जैसे भी रवि का समय है तो इसमें क्या होती है कि आप इसमें सब्जियों का भी करें, आप इसमें फलों का भी बगीचा का भी स्थापना करें, और साथ में जैसे कि हमारी जो हमारी दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, तो जैसे दलहनी में जैसे कि आपकी मसूर हो जाती है, चने हो जाती है, इन सबों का समावेश करके, या फिर हमारी सरसों हो जाती है, तो इन सबों का आप परिवेश उस भूभाग को निश्चित तौर पर उसमें आप जैसे जैसे हमारी सब्जियों का भूभाग ज़्यादा रखें ताकि सब्जियों से आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और उसकी बाजार भाव भी ज़्यादा रहती हैं। तो इस तरीके से आप उसमें सब्जियों का, आप उसमें दलहनी का, तिलहनी का, अनाज वर्गीय का, और अगर आप मवेशी पाल रहे हैं तो उसमें चारा का, जैसे कि सौरगम वगैरह हैं, तो इन सभी का आप उसमें खेती करें। और साथ में जैसे कि आप मवेशी पालन करते हैं तो उसमें जो भी आपका जो हमारी प्रोड्यूस आती है तो उसका आपको इसमें भोजन में इस्तेमाल हो जाएगा मवेशियों के, और ख़ास कर जैसे कि आप मवेशियों के जो गोबर प्राप्त हो रहे हैं उसे, तो उसको बहुत अच्छा आप जो हमारे पूरे आपकी ज़मीन से जो आपकी बायोमास मिल रही है, जो हम घास खरपतवार कहते हैं, तो उसको भी निकाल करके उसको भी हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं और उस वर्मी कंपोस्ट को पुनः अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो समन्वित कृषि में क्या होती है कि उपजाऊ क्षमता है ये भी बढ़ती है, और साथ में इन अन्य घटकों से हमारे पास उत्पादन भी आता है, और इसमें हमारी लाइफ सिक्योरिटी भी रहती है, जैसे कि किसान भाइयों को, जैसे कि इसमें अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको मछली से भी आय आ रही है, गौ पालन कर रहे हैं तो दूध, बकरी पालन करें तो आप उसके मांस से, या मुर्गी पालन
कर रहे हैं या आप उसमें मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होती है कि हम प्रति इकाई में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपके पास प्रशिक्षण होना चाहिए कि इन आयामों को हम एक एक निश्चित भूभाग में, जैसे एक एकड़ का हो या एक हेक्टेयर का हो, इसमें हम कैसे इसको हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी जो प्रणाली है उसको हम समन्वित कृषि प्रणाली कहते हैं। लेकिन ये किसान भाइयों के लिए सवाल होगा कि समन्वित कृषि प्रणाली जो किसान भाई करना चाहते हैं उसको खास जानकारी अगर नहीं हो तो उसके पहले क्या कहीं से कुछ प्रशिक्षण लेके करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा? बिल्कुल किसान भाइयों, खास करके जैसे कि आप एकल फसल उत्पादन कर रहे हैं अपने भूभाग से, निश्चित तौर पर आप उसकी जानकारी आपके उसके पास है, लेकिन वहीं पर जैसे कि आपने अगर अन्य फसलों जैसे बगीचा की स्थापना करना चाहते हैं तो बगीचा में कौन से फलों की बगीचा को हम स्थापित करें, फिर उसमें अंतरशस्य क्रियाएं कैसे करें, फिर खास करके आप जैसे कि आप मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं, मछली पालन की बात कर रहे हैं, या हम सब बकरी पालन की बात कर रहे हैं, या लाह उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इसके लिए प्रशिक्षण जो है आपको, जैसे हमारे प्लांडू केंद्र है यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या वृषा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, या कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इन इकाइयों में आने के लिए आपको उसके लिए जानकारी रखना जरूरी होता है, ताकि एक ही फसल में ना आ करके आप विभिन्न फसलों को आयोजन करके और उस पर आप खेती करते हैं तो उससे आपको मुनाफा ज़्यादा प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, आपने देखा सुना समझा कि सब कुछ समझते के बाद कि समन्वित कृषि प्रणाली किसान भाइयों के लिए लाभप्रद है और रोजगार इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, और इन जानकारियों से आप लाभ उठाएंगे। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों जोहार। देखा ना किसान भाई बहनों, जानकारी छोटी थी लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारे विशेषज्ञ ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी कि कैसे हमें लाभ मिल रहा है और आगे भी लाभ मिलता रहेगा। तो हम इन जानकारियों को जरूर अपने मद्देनजर रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। मेरे पास जानकारी एक और है, आप ये मत सोचिए कि बस जानकारी खत्म हो गई। तो आइए आज हम बात करेंगे रबी फसल में सिंचाई के बारे में। जी हाँ, इसके लिए भी हमारे पास विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और वो हमें जानकारी देंगे कि रबी फसल में सिंचाई का क्या प्रबंधन है। किसान भाई, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई बातों की जानकारी देते हैं और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि रवि के मौसम में जो हम फसल लगाते हैं उसमें सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें। अभी खरीफ का समय हमारा चला गया है और रवि का समय आ रहा है और किसान भाइयों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके फसल में कब कब सिंचाई की ज़रूरत है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पी के मेहता साहब, जो कि केवी के साहिबगंज में कार्य। जैसे खरीफ का मौसम चला गया है और अब रबी का मौसम आ चुका है, हमारे किसान भाई फसल लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अगर मुख्य फसल गेहूं की अगर बात करें तो उसमें सिंचाई का क्या तरीका होना चाहिए, क्या अंतराल होना चाहिए? अपने झारखंड में जो टोटल खेती योग्य जमीन है करीब 26 लाख हेक्टेयर जमीन पर हम लोग खेती करते हैं, उसमें से मात्र 2 लाख हेक्टेयर जमीन जो है जिस पर कि सिंचाई का साधन उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र 13% जमीन जो है हमारे यहाँ सिंचाई उपलब्ध है, बाकी सिंचित है, बाकी जो है करीब 87% जमीन जो है वहाँ पर सिंचाई का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक हम वर्षा की बात करते हैं तो अपने झारखंड में करीब करीब 1300 mm बारिश होती है, उसमें से आप देखें अगर तो जो भारत का एवरेज रेनफॉल है करीब 1200 mm, उससे 100 mm यहाँ ज़्यादा है। हमारे किसान जागरूक भी हैं, वो आज नए नए टेक्नोलॉजी को अपना करके उत्पादकता और टोटल उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, जो कि आज बढ़कर के करीब करीब 75 लाख मेट्रिक टन हो चुका है। लेकिन जो आज अपनी आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके हिसाब से इसको और ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्या है कि खरीफ के मौसम में करीब करीब अपना जो है 90-95% फसल जो है फसल का आच्छादन हो जाता है, लेकिन रबी में जब आप आते हैं तो मात्र मुश्किल से 25% जमीन पर ही जो है टोटल आच्छादन हो पाता है। इसका मुख्य वजह यह है सिंचाई का, एक तो साधन उपलब्ध नहीं है, दूसरा है कि हम एक कुशल प्रबंधन नहीं कर पाते हैं जो कि हमें वर्षा से जल प्राप्त हुआ है उसका जी। तो यहाँ पर हमको ये करना है कि हम लोग जैसे आज सरकार की ओर से ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे आज तालाब बनवाया जा रहा है, छोटे छोटे डोभा बनवाए जा रहे हैं, तो एक तो इसमें पानी को संग्रहण करें, दूसरा है कि हमको पहले से इसमें जब खरीफ मौसम शुरू होता है तो रबी का तैयारी हमको उस समय से भी करना होता है। अगर हम थोड़ा मेरबंदी पर ध्यान दें, मेरबंदी चूँकि अपने यहाँ का ज़मीन का जो देखने का जो भौगोलिक एरिया है वो है ढलुआ है, तो वहाँ पर अगर हम मेरबंदी को थोड़ा ठीक कर दें तो वहाँ पर हमारा पानी जो है ज़्यादा देर तक अगर खेत में रुकेगा, रुकने से ये होगा कि अंदर का जो ज़मीन का लेयर है पानी का वो ऊपर आएगा और नमी बरकरार रहेगी। दूसरा है जब आप रबी में इन करते हैं तो
जो नमी बरकरार है, जैसे ही हमारा ये धान का फसल कटता है उसमें आप एक जीरो टिल मशीन का प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं उस नमी का यूज करने के लिए, और उस समय आप गेहूं की बुआई उसमें आप कर दें। तो एक तो सिंचाई हमें बचता है, आगे जो भी है अगर कम नमी है मान लीजिए तो वहाँ पर हम यहाँ पर रिकमेंड करते हैं कि नहीं सरसों लगावें किसान, या फिर चना लगावें, दलहन या तेलहन की फसल लगा सकते हैं वो। तो जो उनके पास में आज डोभा का कॉन्सेप्ट है, उस डोभा में अगर पानी है तो उससे एक सिंचाई में भी इसका काम चल जा सकता है, चना का और सरसों का। दूसरी ये है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से ये अपना डोभा या तालाब सूख जाता है बीच में, तो हमको किसानों को जागरूक करके ये भी करना है उसमें कि जो भी तालाब मान लीजिए एक एकड़ के एरिया में तालाब बना हुआ है तो बीच बीच में अगर हम चाहें तो 2-3 उसमें कुआं बनवा दें, 5 से 7 फीट गहरा और तालाब के बीच में और 5 फीट व्यास का डायमीटर का, तो उससे ये होगा कि करीब 4-5 फीट लेयर हमेशा पानी का उसमें बना हुआ रहेगा। अगर 3-4 तालाब है तो उससे हम चाहें तो हाँ उससे हम चना का सरसों का एक आध सिंचाई तो हम खूब आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है उसमें उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। चूँकि अपने यहाँ ये है ना कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी अगर आप देखें झारखंड का तो बहुत कम है, बहुत कम का मतलब कि 115% है। क्रॉपिंग इंडस्ट्री कम होने का मतलब ये है कि मेनली 95% आपको खरीफ में आच्छादन होता है और 25% इसमें होता है। तो राज्य खुशहाल तभी होगा, किसान हमारा खुशहाल तभी होगा जब तक कि ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी 200% तक नहीं पहुंच जाए। तो उसको पहुंचाने के लिए ये जो हमने उपाय बताए ये करना ज़रूरी है। दूसरी है कि अपने यहाँ ढेर सारे पहाड़ नली नाले निकलते रहते हैं, वहाँ पर भी प्रबंधन की ज़रूरत है। प्रबंधन ये है वहाँ पर भी हम पानी को बहुत जगह सहभागिता से, किसानों की सहभागिता से चेक करें, चेक कर करके वहाँ पर हम जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं, पत्थर हैं, वहाँ पर जो भी डस्ट हैं, उससे पानी को कई फेज में हम रोकें, उसको रोक करके फिर वहाँ पर हम सब्जी की फसल हो या हल्का फल्का सरसों है उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उसकी उत्पादकता और उत्पादन दोनों को बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि अगर वो गेहूं लगाने जा रहे हैं तो गेहूं लगाने से लेके उसको लास्ट काटने तक में कितनी सिंचाई होनी चाहिए, कितने अंतराल पर होनी चाहिए। गेहूँ के लिए कम से कम 5 सिंचाई चाहिए, लेकिन अपने झारखंड में उनको चयन करना होगा, चयन कि कौन सा गेहूँ लगाएं। उतनी सिंचाई वाली गेहूं हमको नहीं लगाना है, कम अवधि वाली गेहूं लगाएं और कम सिंचाई, प्रभेद पर निर्भर करता है यो। तो हम लोग यहाँ चाहे तो मुश्किल से 2 या 3 सिंचाई में गेहूं की कर सकते हैं, और बाकी चना में और सरसों में तो हम लोग चाहेंगे तो 1-1 सिंचाई में हमारा काम हो सकता है। कौन कौन से ऐसे फसल हैं जिसको कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ सकती है रबी में, जो कि हमारे किसान भाइयों को अधिक जो है मुनाफा दे सकता है, उनको मदद कर सकता है? अभी सरकार की ओर से भी ध्यान दे रहा है तेलहन और दलहन का फसल को बढ़ाना है, तो हम तो चाहें किसानों से कि इस पर चना का हो, मसूर का हो, सरसों का हो, इस पर वो ज़्यादा केंद्रित करें तो अच्छी बात होगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने आपको काफ़ी विस्तार से बताया कि रबी के मौसम में आप फसलों की सिंचाई किस तरह से करें। सबसे पहली बात है कि आप उस पानी को बचा के रखें जिससे आपको रबी की खेती करनी है। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, हवा पूर्व की ओर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गेहूं की बुआई के 25 से 30 दिन बाद सिंचाई करें। सिंचाई के एक दिन बाद खेत की मिट्टी सूखकर पैर रखने लायक हो जाए तब यूरिया का भुरकाव 22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। रबी मौसम में पहले से बोई गई दलहनी और तिलहनी फसलों में आवश्यकता अनुसार निकाई गुड़ाई का कार्य करें। आपसे बातें करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारा समय खत्म हो चला है, और घड़ी की सुई यूं नॉक नॉक करना शुरू करती है कि बस समय हो चला आपसे विदा लेने का। यूं ही आपसे बातें करते करते 2016 का अंत भी आ गया है और वो हमें अब अलविदा कह रहा है। हमें उम्मीद है कि किसान भाई बहनों हमारा साथ यूं ही बना रहेगा हमारे नए साल 2017 में। तो चलिए आज हम फिर से आपसे विदा लेते हैं अपने नए अंक में नई जानकारी के साथ आने के लिए, लेकिन उससे पहले आप हमें हमारा ये पता जरूर लिख लें ताकि आप हमें कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी हो या किसी भी तरह का सुझाव हो उसे लिखना ना भूलें। हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। इसी के साथ विदा दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को।
जोहार।